खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से, मेरे साथ दिल्ली लाइव। हम पालीगंज में है, पटना के करीब का ये विधानसभा क्षेत्र है। किसान का मुद्दा गौन क्यों, यहाँ के प्रत्याशी मौन क्यों? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किया है, इतिहास के माने इतिहास ने उन्होंने लिखा है। यहाँ के किसानों को नहर में पानी नहीं मुहैया हो रहा है। एनडीए के सरकार में ही यूरिया कारखाना चार चार को बंद किया गया था, लेकिन उनके सरकार के पूर्व ही कारखाने को बंद किया गया। मंत्री है बिहार के 6-7, वो क्यों नहीं करते हैं इस चीज को अलॉटमेंट ना किसानों का? किसानों का खाद का किल्लत मिट जाएगा। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। मुंबई में बीसीसीआई दफ्तर पर शिव सैनिकों के हंगामे के बाद पाकिस्तानी एम्पायर अलीम गार भी भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटे। शोएब अख्तर और वसीम अकरम भी जाएंगे पाकिस्तान। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में तेज रफ्तार कार ने दो पुलिस वालों को मारी टक्कर, दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। ड्यूटी से लौट रहे थे पुलिसकर्मी, मौके से फरार कार का ड्राइवर। मध्य प्रदेश के टॉयलेट स्कैम पर लाइव इंडिया की खबर का असर, करोड़ों के घोटाले से हिली एमपी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान का बयान, सीएम से मिलकर करेंगे बात।
पंजाब को सुलगाने के पीछे पाक खुफिया एजेंसी ISI की साजिश। पंजाब पुलिस की अंदरूनी रिपोर्ट लाइव इंडिया के पास। धार्मिक भावनाएं भड़का रहे कर माहौल बिगड़ाने की कोशिश में पाक। और मैगी पाबंदी को लेकर गुजरात सरकार का अहम फैसला। मैगी पर से हटाई पाबंदी। कर्नाटक में भी हटाई गई 2 मिनट के नूडल्स पर से पाबंदी। सहवाग ने किया संन्यास की खबरों का खंडन। सहवाग ने कहा कि संन्यास को लेकर भारत वापस आकर देंगे बयान। इस वक्त दुबई में है सहवाग। सातवीं नवरात्रि माँ काल रात्रि का दिन। माँ काल रात्रि दुर्गा का सातवां स्वरूप है। शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने के लिए माँ का जन्म हुआ था। माँ की आंखों से अग्नि वर्षा होती है। माँ प्रचंड रूप धारण करने के बाद भी शुभ फल देती हैं। माँ काल रात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ की उपासना से भक्तों को अज्ञात शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। माँ की आराधना से नवग्रह शांत होते हैं। माँ का जपनीय मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्न खर स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पाद उल्लसत लोललता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्ण काल नमस्कार। माँ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा। जय माता दी। आपके साथ मैं हूँ आचार्य संतोष जी। आप देखते ही आज नवरात्रि का सातवां दिन आ गया है और नवदुर्गा का जो सातवां स्वरूप है यानी कि माँ काल रात्रि का दिन है। माँ का रूप बेशक ही प्रचंड है लेकिन शुभंकरी कहा गया है इन्हें, यानी कि अगर आपके शत्रु आप पर लगातार हावी हो रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो माँ के वार से मानकर चलिए अब वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।
तो आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं माँ काल रात्रि के बारे में और आज के दिन के बारे में आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? मित्रों देखें, माँ काल रात्रि के सप्तम स्वरूप, दुर्गा के सप्तम स्वरूप को ही काल रात्रि कहते हैं। रात्रि हर एक इसमें शुभ होती है नवरात्रियों में, और सातवीं रात्रि काल रात्रि है। काल अर्थात जो यह समय चल रहा है, काल अर्थात आपके जीवन का वह एक पड़ाव जहां से आप या तो अंत पाते हैं या तो आरंभ पाते हैं। काल रात्रि के नेत्रों से अग्नि वर्षा, ऐसी मान्यता है, अग्नि वर्षा के द्वारा शत्रुओं का विनाश करती है माँ। देखने में जितनी भयानक है, अंदर से उतनी नरम मुलायम और हर प्रकार की इच्छा को अपने संतानों के लिए पूर्ण करने वाली माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि यदि आपके ऊपर कृपा कर दें तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की शत्रुता किसी के साथ नहीं हो सकती। माँ कालरात्रि की कृपा से आपके अंदर एक निडरता आती है, आपके अंदर का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसी है माँ कालरात्रि। ऐसे में आप माँ कालरात्रि के समक्ष अपनी प्रार्थना रख करके किस प्रकार से इनकी कृपा पाएंगे, ये आज के कार्यक्रम में हम आपको विस्तार तक बताएंगे। साथ ही साथ हम कोशिश यह भी करेंगे कि कल आप कंचक पूजन करें तो किस प्रकार से उसकी विधि रहे, इसको बताने का भी हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ किचन पिटारा भी बताना हम नहीं भूलेंगे। आज इसमें जो है वह आपके मन के अज्ञात भय को दूर करेगा। जो भय है ही नहीं, वह भय क्यों आखिर आपको सताया जाता है, कुछ सामग्री इसके अंदर है जो आपके जीवन से भय को दूर कर देगी। जी हाँ, अज्ञात अनजान जो भय आपको हमेशा सताता है वो दूर हो जाएगा। किचन पिटारे में वो प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, ये भी आपकी राशि के अनुसार आपको मिलने ही वाला है। लेकिन चलिए उससे पहले हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर और करवाते हैं माँ के दर्शन। तो इस वक्त आप दिल्ली के झंडे वालान मंदिर से मां के लाइव दर्शन कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य आप सभी हासिल कर पा रहे हैं। आज हर मंदिर में मां कालरात्रि की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। मां कालरात्रि जिनको लेकर कहा जाता है कि मां जो हैं अपने भक्तों से अगर प्रसन्न हो जाएं तो उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं मां। यहां तक कि अगर कोई आप पर तंत्र मंत्र बाधा, इस तरह की बाधाएं अगर आपको परेशान कर रही हैं या आपके खिलाफ कोई साजिश रचता है, तो कहा जाता है कि आचार्य जी मां कालरात्रि के आशीर्वाद से तंत्र मंत्र हर तरह की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और जो उल्टा करता है माँ उनके साथ भी। शुभंकरी कहा गया कंचन को, और शुभंकरी का अर्थ ही ये होता है कि शुभ करने वाली, हर प्रकार की अशुभता को दूर करने वाली। जितना भी आपके जीवन में अशब्द था, अर्थात जो ना था, जो शुभ नहीं है, उसी को दूर कर दिया तो शुभ हो गया। अब शुभ हो गया, इसी से इनके नाम को चरितार्थ करती है शक्ति शुभंकरी। जितना देखने में भयानक है, भयंकर है, उतना ही अंदर से मुलायम है, क्योंकि माँ है ये, और माँ कभी भी कुमाता नहीं होती है, हर प्रकार से अपने संतान की शुभता की ही कामना माँ करती है। जी, भयंकर रूप, प्रचंड रूप, लेकिन मन से है वो कोमल। बिल्कुल, और अपने जो उनके संतान है, जो भक्त हैं, उनसे जब प्रसन्न होती हैं तो उनके जीवन से भय डर जो है वो दूर कर देती हैं। तो माँ की आराधना के लिए अभी आप जो सभी दर्शक इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, हाथ जोड़िए, जो भी आपकी मनोकामना है माँ के समक्ष कीजिए और आपकी जो पूजा है वो स्वीकार करेंगी माँ। हमने भी कुछ मांगा हाथ जोड़कर,
जी मैंने मांग लिया है। हमारे दर्शकों ने भी कुछ जरूर मांगा होगा। बिल्कुल, और आपकी वो जो आपने मुराद रखी है माँ के समक्ष, माँ उसे जरूर पूरा करेगी। आगे कन्या पूजन की विधि हम आपको बताने वाले हैं। कल अष्टमी है, किस तरह से कन्या पूजन होनी चाहिए, साक्षात कन्या यहाँ विराजमान होंगी और वो विधि पूर्वक हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने का वक्त है, तो ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज हम महाविद्या में बात करेंगे माँ बगलामुखी के बारे में और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब माँ का वार चलता है तो शत्रुओं का जीना दुश्वार हो जाता है। बहुत ही अहम जानकारी आज दोपहर 2 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। भाभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए, व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबू जैसी शक्ति दे गहरी सफाई, बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी विद प्योरिटी इंडिकेटर, नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवार बी एच प्लस हेयर कलर। सच्चा दबंग हो डीएमआर डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। माँ के दरबार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि माँ कालरात्रि का दिन है और इन्हें किस तरह से प्रसन्न करना है ये हम आपको बताएंगे और कन्या पूजन की विधि भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन हाँ आचार्य जी, कन्या पूजन कहाँ करेंगे? दरबार में ही किया जाएगा, यानी अपने ही भवन में चलेंगे और सबसे उत्तम स्थान वही रहेगा। जी हाँ, तो माँ के दरबार में एक कन्या आएंगी और उनका जो विधि विधान से पूजन होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल है अष्टमी और सही तरीके से ही आपको हर कन्या को पूजना है ताकि नव दुर्गा जो है वो आपसे प्रसन्न हो। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बारी आ गई है अब रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको हर दिन दिया जाता है, तो कहीं भी जा रहे हैं अपनाइए अपना खास रक्षा कवच। चलिए, यदि आज आप कहीं यात्रा के लिए निकलने वाले हैं तो आज के दिन क्या करना है आपको, गुड़ जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ देते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। यात्रा सुखद रहेगी और आप हर तरह से सुरक्षित रहेंगे।
कल के दिन अगर आप प्रस्थान करने वाले हैं तो एक दूर्वा का टुकड़ा ले लें और उसको अपने दांतों से कट करके एक बाइट काटिए, उसके बाद उसको ग्रहण करते हुए उसको खाते हुए आप घर से निकल जाइएगा। हर जगह आपकी जय जयकार रहेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और हर क्षेत्र में सफलता भी पाएंगे आप, लेकिन इसके लिए लेकर जानी है आपको अपनी सक्सेस की। माँ कालरात्रि की कृपा रहे आप पर और आज के दिन आप सफल हो जाएं। जहां भी परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अशोक के पत्ते पर दही रख लें। अब इस दही से अपने मस्तक को आप तिलक कर लें। इसके बाद घर से निकलिएगा कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाने से पूर्व। व्यापार के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कटोरी में लाल पुष्प डालकर फिर आप उसको प्रणाम करते हुए घर से प्रस्थान करेंगे। कल के दिन यदि आप कहीं इंटरव्यू या फिर परीक्षा देने के लिए जाने वाले। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी कि माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए वो कौन सा जपनीय मंत्र है जिसका आज दिन भर आपको जाप करना है। जानते हैं मंत्र ज्योति है। आप किसी से भी कुछ काम करने के लिए बोलते हैं यदि वो मना कर रहा है बार बार, तो यही आज आपको मिलेगा जो आज हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं कि कोई आपको कभी मना ना कर पाए। माँ का मंत्र है, आप इसको जाप कर लें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। इस मंत्र का प्रयोग अब देखें आप कैसे आपको प्रयोग करना है जब आप किसी से कुछ काम करने के लिए बोलें। इसको दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र भी कहते हैं। निर्वाण मंत्र के द्वारा आप समस्त देवियों को प्रसन्न करते हैं, नौ शक्तियां प्रसन्न होती हैं एक साथ। जब आप इस मंत्र का जाप करें या किसी से कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो मध्यमा और अंगूठे को इस तरह से आप स्पर्श कर दें। स्पर्श करने के बाद अब आप किसी से बोलें काम के लिए जो भी आप करवाना चाहते हैं, और उस बीच यह मंत्र तीन बार अपने मन में बुदबुदा दीजिए। काम पूरा हो गया, तीन बार पूर्ण होने के बाद इस मुद्रा को यूं खोल दीजिए, काम आपका बन जाएगा। आजमाइएगा, अभी दो चार घंटे के बाद अंदाजा लग जाएगा यह प्रयोग कितना प्रभावी है। बिल्कुल, और दुर्गा का रूप यानी कि कन्या जो है हमारे बीच में उपस्थित होंगी, और थोड़ी ही देर बाद हम आपको बस बताने ही वाले हैं कि कल अष्टमी पर आप कन्या पूजन किस विधि से करें। कंचन, कई बारीक जानकारियां होती हैं, कई बार हमारे दर्शक नहीं जानते हैं। आठ आठ नौ नौ दिन का तपस्या व्रत आपका निष्फल हो जाता है, आपको वो फल नहीं मिल पाता, वो सारी बारीक जानकारियां इस मंच से आपको मिलने वाली है। कागज कलम लेकर के बैठिएगा, कंचन जी सब करके दिखाएंगी। हम आपको बताते रहेंगे क्या विधि रहेगी, कैसे माँ का पूजन करना है, वंदन करना है, चुन्नी कब पहनानी है, चुन्नी के समय में कौन सी उंगलियों का प्रयोग करना है, सारी बारीक और सूक्ष्म जानकारी मिलने वाली। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो मैम, मैं दीक्षा बोल रही हूँ देहरादून से। दीक्षा जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू मैम। राधे राधाचार्य जी, श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी। मैम पहले तो मैं लाइव इंडिया को बड़े वाला थैंक्स बोलती हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए और मेरे को लकी कॉलर सिलेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल दीक्षा जी, और आपको भी शुक्रिया, आप हमारा कार्यक्रम देखती रहती हैं इसके लिए। जी मैम जी, आचार्य जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम क्लियर बात बोलते हैं, आपको सुन के इतना अच्छा लगता है जैसे अपनापन सा लगता है। मोहब्बत आपका, प्रेम आप सबका, ऐसे ही आप लोग का स्नेह आशीर्वाद बना रहे, हम तो प्रस्तुत करते रहेंगे। बताएं किसके विषय में जानना है। आचार्य जी मुझे अपने बड़े भाई के बारे में पूछना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ। उनका नाम है प्रशांत चौहान, डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1984। जी समय, टाइम है 12:05 AM रात के। आपसे बड़े हैं ये छोटे हैं? बड़े हैं आचार्य जी। तो नाम के आगे श्री लगा दिया होता आपने, अच्छा लगता। चलिए बताइए टाइम क्या है। टाइम है 12:05 AM और स्थान यूपी हरदोई। हरदोई, क्या प्रश्न है आपका पंडित जी? मेरे तीन क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये कि मेरे भैया ने ना LLM कर रखा है। अच्छा। करेंटली ये प्राइवेट कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं। अच्छा। तो ये ना जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं काफी टाइम से और काफी हार्ड वर्किंग भी है, पर इनका नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जुडिशरी में कब तक होगा, और अगर जुडिशरी में नहीं हो पा रहा है तो गवर्नमेंट जॉब अगर है कोई तो वो कब तक होगी।
देखिए इनके जन्मांक में बृहस्पति की भी महादशा चल रही है, वृषभ लग्न इनका है और तुला राशि है। राहु चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, बहुत मुश्किल है, मतलब चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। बृहस्पति की महादशा के कारण एक उपाय हम तत्काल बताते हैं, जब तक उम्र रहे तब तक प्रयास करते रहिए। केले के पौधे के साथ तुलसी का पौधा किसी मंदिर में, घर से पूर्व दिशा के मंदिर में कहीं रख के चले आए और हर गुरुवार ये करें, 8-10 गुरुवार कर देंगे तो शायद योग ज्यादा बन जाए। मुश्किल है ये पहले बता दिया, हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार मिलेंगे माँ के दरबार में और कन्या और कन्या जो पूजन की विधि है ये हम आपको बताएंगे लौटते हैं ब्रेक के बाद। टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC-IDD सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, The pride of India। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी। दीवाल पीएच प्लस लो। ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पिज्जा बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट इंस्टेंट हेयर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। नीतीश ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उसको आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता बस जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने अपना चेहरा बचाने के लिए किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने नीतीश के साथ धोखा किया। कि कोई टेस्ट मैच खेलता है, कोई वन डे खेलता है, हम 2020 खेलते हैं। मुझे जाने दीजिए बाऊजी। जब बाऊजी ने छोड़ा था हाथ, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। दुल्हनिया के प्यार की कहानी 30 साल बाद भी रुमानी। देखिए 20 बरस के दिलवाले आज शाम 5:30 पर। हम पालीगंज में है, पटना के करीब का ये विधानसभा क्षेत्र है। किसान का मुद्दा गौण क्यों, यहाँ के प्रत्याशी मौन क्यों? जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किया है, इतिहास के माने इतिहास ने उन्होंने लिखा है। यहाँ के किसानों को नहर में पानी नहीं मुहैया हो रहा है। एनडीए के सरकार में ही यूरिया कारखाना 4-4 को बंद किया गया था, लेकिन उनके सरकार के पूर्व ही कारखाने को बंद किया गया। मंत्री है बिहार के 6-7, वो क्यों नहीं करते हैं इस चीज को अलॉटमेंट? किसानों का खाद का किल्लत मिट जाएगा। मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशंस।